हेलो बेबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये रीडिंग बहुत ही रैंडम है, बहुत रैंडम है। मुझे बस ये रीडिंग बनानी थी एक क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स रियली लाइक्स टू हाइड थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें वो हाइड करते हैं, सही टाइम पे हमें देते हैं, और एक्चुअली वो टाइम सही टाइम होता है, ठीक है। सो आई फील देर इज़ समथिंग जो आपसे छुपाया जा रहा है। मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बिकॉज जो चीज़ है वो तो अपने टाइम पे ही आएगी, बट फिर भी लेट्स गेट अ लिटिल स्नीक पीक ऑन वॉट इज़ बींग हिडन फ्रॉम यू, ठीक है। तो या कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करता है वो हमारी रियलिटी में। नोइंग दीज थिंग्स कैन हेल्प अस इन सम वे। सो मुझे लगता है अगर आप क्यूरियस हो इस क्वेश्चन को लेके, देन दिस इज लाइक योर रीडिंग। लाइक व्हाट इज यूनिवर्स हाइडिंग फ्रॉम यू, इज यूनिवर्स हाइडिंग फ्रॉम द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो। What is universe hiding from you? Okay. Universe is fighting for you. Okay, ठीक है। There is some devilish energy, I have to tell you. हो सकता है आप जो ये लोग देख रहे हो, आप लोग यूनिवर्स इज फाइटिंग फॉर यू बिहाइंड द सीन्स। आप शायद क्रेडिट नहीं दे रहे हो उतना, बट आई थिंक एक लिटरल डीमन एनर्जी, सकिंग वैम्पायर एनर्जी आपके आजू बाजू है। दिस कैन फॉर सम ऑफ यू बी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, और कैन लिटरली बी अ पर्सन। आप देख सकते हो कितनी डीमन टाइप की एनर्जी है, लाइक अ वेरी बैड एनर्जी इज अराउंड यू, वेरी बैड। बट उससे आपको दूर रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स उस चीज़ को आपसे बहुत दूर रख रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग है, आपसे छुपाया ये जा रहा है कि बिहाइंड द सीन्स कितना आपके लिए किया जा रहा है। द थिंग इज़, ये एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप ये कार्ड देख सकते हो, और आपको खुद को भी, अगर आपका थोड़ा भी इंट्यूशन है, आपको समझ आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। देर इज़ अ वेरी स्नेक लाइक फायरी एनर्जी जो आपके अराउंड है, जो आपको लिटरली बहुत हार्म कर सकती है। उसके कॉन्टैक्ट में भी आप आए हो, ये जो पर्सन सिचुएशन है उसके कॉन्टैक्ट में आप आए हो, आपने उसको भी एनर्जी दी है, बातचीत हुई हो सकती है आपकी, या फिर कोई कॉन्टैक्ट हुआ है आपका इस एनर्जी से, या आपके ड्रीम्स में कुछ नाइटमेयर के फॉर्म में आया हो सकता है, बट कुछ तो कॉन्टैक्ट आपका हुआ था ये एनर्जी से, और आपको उस चीज़ ने शेक कर दिया। मे बी आपको बहुत ही नेगेटिव फील होने लगा अचानक से, एंड समथिंग हैपेंड। मुझे लगता है ये हफ्ते में कुछ हुआ है, आपका कॉन्टैक्ट हुआ इस नेगेटिव एनर्जी से, और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स वो एनर्जी से आपके लिए लड़ रहे हैं। लिटरली दे आर फाइटिंग। फॉर सम ऑफ यू ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो टेम्प्ट कर रहा है आपको अभी, लेकिन वो आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, और आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है उस चीज़ को, टेम्पटेशन को रिजिस्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ बीइंग हिडन फ्रॉम यू। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए हिडन है ना, वो ये है कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी टीम कितनी पावरफुल है, स्पिरिट टीम कितनी पावरफुल है, यूनिवर्स आपके कितने फेवर में है, और बिहाइंड द सीन्स आपको समझ भी नहीं आ रहा, जिस चीज़ से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, डेली इंटरेक्शन हो सकता है आपका हो रहा है, वो चीज़ कितनी बुरी है आपके लिए। ये एक फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो रोज़ आपके घर पर आ रहे हैं, कोई नेबर हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू एक क्रश हो सकता है, बट ये जो चीज़ है वो इतनी नार्सिसिस्टिक है, इतनी बुरी है आपके लिए, और बुरी है हर वो इंसान के लिए जो इसके कॉन्टैक्ट में आता है। ये पर्सन अच्छी सोल नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड सोल दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद, ठीक है। अगर आपको किसी को भी लेके एक बैड इंट्यूशन है कि जब भी मैं इससे मिलती हूँ, कुछ लेती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, इसके अराउंड रहती हूँ, या ये करती हूँ, ये कोई हैबिट भी हो सकती है आपकी, तो कुछ बुरा होता है आपके साथ, या फिर कुछ तो एकदम ही बहुत वियर्ड हरकत होती है आपके साथ। बट आई कैन टेल यू, यूनिवर्स इज लिटरली फाइटिंग फॉर यू, यूनिवर्स इज इन योर फेवर। आपको लग रहा है जो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही है वो सारी आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको किसी से अलग रखा जा रहा है पर्पसली, बिकॉज वो इंसान या वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको खुद, आपकी बॉडी को फील होगा वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये यूनिवर्स आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक स्कैरी चीज़ है। एक ये मुझे डरा सकती है, तो क्या ही बोलूँ मैं आपको।
और आपने इंटरेक्ट किया है ये पर्सन सिचुएशन से, आपने भी एनर्जी दी है, लेकिन आई थिंक आपकी बॉडी को भी समझ आ गया था कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत फिशी है. यू आर वेरी प्योर सोल एंड कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट हो जाते हो. आपको मैनिपुलेट करना, आपको मोल्ड करना, आपको ऑब्सेस्ड करना बहुत आसान है. ये बहुत जनरल रीडिंग है, तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स. दिस कैन बी अ लवर, दिस कैन बी अ मेंबर, और दिस कैन बी अ फ्रेंड, बट इट इज प्लेइंग विथ योर हेड. ये एनर्जी, इसको एनर्जी देना बंद करो. स्ट्रिक्टली स्टॉप इट, स्ट्रिक्टली स्टॉप इट. व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स हाइडिंग? हाँ, और यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज फुल्ली इतना नहीं बता रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर going to get scared because ये energy बहुत scary है. but साथ में वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके पास enough शक्ति है, enough strength है इसको fight करने के लिए, because universe is also somewhere giving you strength. so you need to heal from this. अगर आपने इससे heal नहीं किया, ऐसी एक और एक सिचुएशन, ये कार्मिक है, पूरी सिचुएशन कार्मिक है. ये जिस भी इंसान से आप इंटरेक्ट करो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप इससे भाग जाते हो तो सेम इंसान वापस आएगा, मतलब कोई अलग रूप में. इट इज़ अ कार्मिक थिंग, यू डोंट हैव टू रन. अगर आप भागते हो चीज़ों से, आप इग्नोर करते हो, आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो, एक मैच्योरिटी से आपको डील करना है चीज़ों से. यू हैव टू डील विद दिस पर्सन एंड सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी. अगर आप भाग जाओगे तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन. ये एनर्जी बुरी है, आई नो दिस, बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत हेडेक क्रिएट करने वाली है, लेकिन इससे आपको भागना भी नहीं है और इसके साथ ज़्यादा रहना भी नहीं है. इसको आपको बहुत मैच्योरली हैंडल करना है, और आप करेंटली, यूनिवर्स करेंटली आपको टेस्ट कर रहे हैं, एंड आई डेफिनेटली सी इट. आपका हर एक एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका इंटरेक्शन टेस्ट हो रहा है, एंड यूनिवर्स इज सॉर्ट ऑफ हाइडिंग दिस. थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग कि आप कितना रिजिस्ट कर सकते हो, कितना अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, आपके इंटेंशंस कितने प्योर है. एवरीथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड राइट नाउ. ओके, सो एक्ट वाइजली. शनिदेव, शनिदेव इज अ कार्मिक लॉर्ड. आपके कर्मास टेस्ट हो रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के बेसिस पे आपके कर्म लिखे जाएंगे. सो आपको बहुत वाइजली लोगों को परखना है, अपने आप को परखना है, अपने इंटरेक्शंस को थोड़ा सा फिल्टर करो, बिकॉज यू, यूनिवर्स इज करेंटली टेस्टिंग यू एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. यू आर अंडर अ टेस्ट बिकॉज शनिदेव का कार्ड आ गया. यू नीड टू ऑल्सो टू शनिदेव रेमेडीज, बिकॉज शनिदेव इज द कार्मिक लॉर्ड और वही टेस्ट करते हैं लोगों को, इफ यू नो. सो या, यू आर अंडर अ टेस्ट फॉर श्योर, 100%. आपका जजमेंटल नेचर, आपका भी इंटेंशन टेस्ट हो रहा है. आप कैसे ये सिचुएशन से इंटरेक्ट करते हो, कैसे ये पर्सन से इंटरेक्ट करते हो, आपके बिहेवियर्स क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, यूनिवर्स इज हाइडिंग दैट. यूनिवर्स इज वॉचिंग यू वेरी क्लोजली, बहुत ही क्लोजली आपको व्यू किया जा रहा है करेंटली. सो एक्ट वेरी वाइजली, यू आर अंडर अ टेस्ट. यू नीड टू कंटिन्यूसली बी इन कनेक्शन विद द स्पिरिट गाइड्स. आपको पूरे टाइम अपने स्पिरिट गाइड्स से कनेक्शन में रहना है, डेली रिचुअल रेमेडीज करनी है, डेली मेडिटेशन करना है. इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, उसमें कुछ भी आप फिल्टर नहीं कर सकते. अगर आप डेली कनेक्शन अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने भगवान, अपने अपने खुद की आत्मा से भी कनेक्टेड अगर रहते हो इस टाइम में, तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज देर इज अ टेस्ट. There is a test. You are getting help. आपको help किया जा रहा है. ऐसा नहीं कि आपको मदद नहीं मिल रही है, because कहीं ना कहीं आप spiritual हो, लेकिन अगर आप थोड़ा discipline में भी आ जाओगे अपनी spirituality को लेकर, तो you can have the energy to fight this. आपके पास हिम्मत आ जाएगी इसे लड़ने के लिए. So पूरे time connection में रहना है आपको. या कोई चीज़ आपको आपके हाथ से जाते हुए दिख रही है, उसको जाने दो. आपके ऊपर ईवल आई भी हो सकती है. मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ये कोई नेगेटिविटी वाली एनर्जी भी है, ईवल आई एनर्जी भी है, बट आपको वो इंसान को ढूंढना है, आपको समझना है, आपको वो सिचुएशन से डील करना है, बिकॉज ये आपका टेस्ट है. आपको जज करना है, आप गलत लोग को गलत जज करते हो, आपका डिसीजन भी कभी कभी ऑफ हो जाता है. दिस इज योर टेस्ट. आपको किसी भी इंसान को लेकर डाउट है कि क्या इसकी इंटेंशन है मेरे तरफ, तो उसको थोड़ा सा सोचो, बिकॉज शायद आप सही सोच रहे हो. ठीक है, डाउट कर रहे हो किसी पे तो कोई वजह से कर रहे हो. सो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कि किसका क्या इंटेंशन आपके तरफ है, आपका क्या इंटेंशन उनके तरफ है, ये कनेक्शन कितना अच्छा है कितना बुरा है आपके लिए. यू नीड टू रियली थिंक इट थ्रू. ओके, इवल है, नेगेटिविटी भी है. ओके, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है आपके साथ. कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही है, वो सिचुएशन डेड हो रही है, वो सिचुएशन आपको और ट्रबल दे रही है. कोई तो बुरी चीज़ आपके लाइफ में अभी हो रही है, बट वो जो बुरी चीज़ आपकी लाइफ में अभी हो रही है वो आपकी ब्लेसिंग है.
ओके वो आपकी ब्लेसिंग है, मानो ना मानो वो आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। जिससे भी आपको इमोशनल फील हो रहा है, जो भी कनेक्शन है आपका किसी के भी साथ, जहाँ भी कोई डिस्टेंस है, ये जो भी किया जा रहा है ये आपके फेवर में भी है और आपका टेस्ट भी है, इट इज़ टू थिंग्स इन वन, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें निकल गई यहाँ तो। यूनिवर्स इज़ फर्स्टली हाइडिंग दैट, यूनिवर्स इज़ फर्स्ट टेस्टिंग यू, टेस्टिंग योर इंटरैक्शंस, टेस्टिंग योर इंट्यूशन, टेस्टिंग योर जजमेंट। आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट पे है। यस, आपके अराउंड नेगेटिविटी है, अगर आपका सवाल ये है 100% है, ठीक है, बट उसके साथ भी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या आप इतने काबिल हो, क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, क्या आप अपने लिए खड़े हो सकते हो, क्या आप अपने लिए सही डिसीजन बना सकते हो। दीज आर ऑल्सो सर्टेन थिंग्स जिसपे आपको प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स के बच्चे हो आप, तो आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है, बट वो इनफ नहीं है ना, वो आपका भी डिसीजन होना चाहिए कुछ, आपका भी कुछ स्टैंड होना चाहिए, आपका भी कुछ इंट्यूशन होना चाहिए। सो यू आर बीइंग टेस्टेड इन दैट एरिया। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा किसी के साथ में, मैं बेसिकली टेस्ट है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। व्हाट शुड दे कीप इन माइंड, व्हाट इज द एडवाइस फॉर देम, एडवाइस हियर, आस्क। आप कभी भी मदद मांग सकते हो, ये सिचुएशन थोड़ी, ये पूरी आपकी सिचुएशन हैवी है, हैवी है, हैवी, जैसे एक भारी भरकम भार होता है वैसी हैवी है, ये आपकी आत्मा पे हैवी है, आपकी बॉडी पे हैवी है, आपके सर पे हैवी है, और ये बस एक हैवी सिचुएशन है। इसमें कहीं ना कहीं आप उलझे रहोगे, फंसे रहोगे थोड़े टाइम के लिए, बट समझो कि ये कुछ वजह से हो रहा है, ओके। आपके कर्म इस पर डिटरमाइन होंगे। अब आप एक सोल हो, आप भटक सकते हो, आपसे गलतियाँ हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप माफ़ी नहीं मांगो। फर्स्ट, आप माफ़ी कभी भी मांग सकते हो, फॉरगिवनेस आपको ज़रूर मिलेगी। सेकंड, कभी भी मदद मांग सकते हो, कभी भी आपको लग रहा है, आपको थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है, यार मैं यहाँ पे हार रहा हूँ, मैं यहाँ पे हार रही हूँ, मेरा जजमेंट गलत जा रहा है, जस्ट से आई सरेंडर। आपको, आप जो भी भगवान में मानते हो, आप जो भी डीटी में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, उसको बोलो कि आई कैन नॉट हैंडल इट नाउ, यू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आपका परमिशन का भी इशू है, यू डिस्कनेक्ट, आपको प्रेयर और करने की ज़रूरत है, आप देख सकते हो रिकॉर्ड, यू नीड टू आस्क मोर। थोड़ा आप कम्युनिकेट करो अपने गाइड्स और अपने भगवान के साथ, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस, यू हैव अ टीम, यू हैव एवरीथिंग, आपको हेल्प भी मिल रही है, ऐसा भी नहीं कि यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट, यू हैव मी टॉकिंग टू यू राइट नाउ, तो इट मीन्स समथिंग। सो अगर ये कुछ भी रेजोनेट होता है, जस्ट कंसिडर माई एडवाइस की स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, स्टार्ट टॉकिंग टू समथिंग जिसमें आप बिलीव करते हो, और जब भी आप फंस जाते हो, आपसे गलती हो जाती है, फॉरगिवनेस मांगो, मदद मांगो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना ईगो, जो भी एनर्जी आपको रोकती है, उसको ख़त्म करो एंड जस्ट डू दीज टू थिंग्स। जब भी आप एकदम ही समझो कि एकदम लोएस्ट लो में पहुंच गए हो, आप हार मान चुके हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आप पे हावी कर रही है, आप भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप भी जज नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत ह्यूमन चीज़ें हैं। यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू आर नॉट, आप कोई भगवान खुद नहीं हो, ठीक है, आपसे गलतियाँ होंगी। सो जस्ट आपको फॉलो थ्रू करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग करनी है डिवाइन के साथ, और रिश्ता स्ट्रांग करना है। एंड जब आपका रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप अपने आप ही चीज़ें होने लग जाएगी। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी तब होगी जब आप डिसकनेक्टेड रहोगे स्पिरिचुअलिटी से। जब आप कनेक्टेड रहोगे स्पिरिचुअलिटी से, ये चीज़ें आपको एक मच्छर जैसी लगने लग जाएगी, लिटरली एक मच्छर जैसी, लेकिन आपको उसमें भी कंसिस्टेंट होना है, ओके। मुझे सिर्फ इतना ही बोलने को कहा जा रहा है, इट इज़ लाइक सेइंग जस्ट स्टॉप, बस इतना ही था आपका मैसेज। 13 मिनट्स का वीडियो मैंने कभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया, बट मुझे लगता है ये बहुत लोगों के लिए, ये बहुत लोगों के लिए, और ये टाइमलेस वीडियो है, जब आप देखोगे तब का है, ठीक है, इट इज अ कम्प्लीट टाइमलेस वीडियो। ओनली दिस, आई कैन नॉट पुल आउट मोर कार्ड्स बिकॉज आई नो कि रेजोनेट नहीं होगा, तो मैं और नहीं बोल सकती, और मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट जरूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड अगेन, अगर आपको बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नंबर, सारा डिटेल सब कुछ है, लिंक है जो आप क्लिक करके बुक कर सकते हो। एंड या दैट्स इट, अगर वीडियो पसंद आई तो प्यार देना, ओके, बाय बाय, कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, बाय बाय।